असलम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वैलकम कहती हूँ जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करें दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ और उनमें जो टॉपिक हम कवर करें वो है लेक्सिकल थेमेटिक डमेंशन आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एपथेट के बारे में बात करना है प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है लुकिंग एट वर्ड्स सिमिलियन मेटाफल कंसीट परसोनीफिकेसन सिम्बल्स इमेज एंड इमेजरी पैराडक्स एक्जूमर एम्बिकिटी एलियन अपोजट्रॉफी एनाफोरा मेटोनमी इंसेक्टिकी एपिग्राम इंजॉमेंट यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं आज हम लोगों ने एपोथिट के बारे में बात करनी है तो ये क्या होता है बेसिकली हम जब भी किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ की करैक्ट्राइजेशन करने के लिए या करैक्टरिस्टिक्स बताने के लिए कोई भी वर्ड या कोई भी फ्रेज उसके साथ यूज़ करते हैं वो एपोथ होता है यानी ऐसा वर्ड ऐसा फ्रेज़ जो कि किसी भी पर्सन प्लेस या थिंग, थिंग की क्वालिटी या उसकी करैक्ट करैक्टरिस्टिक्स को बताए क्लियर जैसे कि स्क्रीन पर देखिए, एन एपिथेट इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इन्वॉल्वस अटैचिंग अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड और फ्रेज टू अ पर्सन प्लेस और थिंग टू हाईलाइट अ पार्टिकुलर क्वालिटी और करैक्टरिस्टिक्स इट इज़ ऑफन यूज टू प्रोवाइड विविड इमेजरी और एम्फोसाइज सर्टन एट्रीब्यूट ऑफ द सब्जेक्ट के ये एक विविड एक क्लियर इमेजरी प्रोवाइड कर देती है आपको एग्जाम्पल क्या है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ येली बात एलेक्जेंडर द ग्रेट ठीक है अब यहाँ पे वर्ड है अलेक्जेंडर ये क्या एक नेम है साथ में हमने क्या लगा दिया फ्रेज द ग्रेट अब जो द ग्रेट है ये क्या है यहाँ पर थिएटर एलेक्जेंडर एक नेम है और दी ग्रेट उसकी क्वालिटी उसके करेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है क्लियर तो ये क्या है एक एपिथेट है और लिटरेचर के अंदर मोस्टली एपिथेट्स जो है ना वो एपिक पोइट्री के अंदर हम लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं होमर की द इलियड है उसके अंदर हम देखेंगे कि एस्किल्स के साथ स्विफ्ट फोटोड का वर्ड यूज़ किया गया है ये फ्रेज़ यूज़ किया गया है ये क्या है अगेन एपिथियटर जो कि उसकी क्वालिटी बता रहा है ऐसे ही अगर हम ऑडिसियस की बात करें तो उसके साथ कनिंग का वर्ड यूज़ किया गया है कनिंग ऑडिसियस कनिंग ऑडिसियस तो ये जो कनिंग है अगेन क्या है उसकी क्वालिटी बता रहा है उसके करैक्टर बता रहा है ऑडिसियस के तो ये भी क्या है एक एपिथेट है ये तो मैंने बता दिया ना कि एपिक पोइट्री में यूज़ किया जाता है इसके अलावा एपिथेट्स को हम लोग नॉवल्स में भी और प्लेज में भी यूज़ करते हैं जैसे कि विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्लेयर रोमियो एंड जूलियट वहाँ पर जूलियट की करेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए सन का वर्ड यूज़ किया गया है ठीक है जैसे कि यहाँ पे देखें बट सॉफ्ट वट लाइट थ्रू विंडो ब्रेक्स इट इज़ द ईस्ट एंड जूलियट इज द सन अब यहाँ पे जो सन है अगेन क्या है जूलियट के करेक्टरिस्टिक्स जूलियट की क्वालिटी को बता रहा है जूलियट के नेम के साथ लिखा गया है तो ये भी क्या एपिथेट है तो ओवरऑल अगर हम बात करें जो एपिथेट है वो लिटरेचर के अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं एक विविड इमेजरी प्रोवाइड करते हैं डेप्थ देते हैं जो रीडर है वो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस फेस करता है एपिथियड की बेस पे तो ओवरऑल एपिथियड्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन लिटरेचर बाय एडिंग डेप्थ एंड इमेजरी टू द राइटिंग प्रोवाइडिंग रीडर्स विद अ मोर विविड एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्लियर तो सिंपली आपको कंक्लूजन बता दो कि एपिथियड क्या होता है कि इसके अंदर किसी भी करैक्टर किसी भी प्लेस किसी भी नेम के साथ हम लोग एक फ्रेज़ या एक वर्ड यूज करते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव वन होता है और वो उसकी क्वालिटी या उसके करेक्ट्रिस्टिक्स को बताता है जैसे कि सिंपली एग्जाम्पल जो हमने बात की एलेक्जेंडर दी ग्रेट उसमें दी ग्रेट जो है वो एपोथेट है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ स्टेट यून विस्ट टेक केयर